पलाश, जंगल की ज्वाला भी कहते हैं इसके वृक्ष को। पलाश का तना गांठदार, छाल मोटी और राख के रंग की होती है। नई शाखाएं पत्ते, रोह और रोमिकाओं से ढके होते हैं। पत्ते हरे, मोटे, चौड़े और तीन पंखों में बंटे होते हैं। पलाश के फूल गहरे लाल रंग के होते हैं। ये तोते की चोंच के समान दिखाई देते हैं। इस समय चारों ओर फूलों की बहार आई हुई है। पलाश के फूल भी पूरी तरह से खिले हुए हैं। इसका पेड़ करीब 15 मीटर ऊंचा होता है। पलाश का तना गांठदार, छाल मोटी और राख के रंग की होती है। नई शाखाएं पत्ते, रोह और रोमिकाओं से ढके होते हैं। पत्ते हरे, मोटे, चौड़े और तीन पंखों में बंटे होते हैं, जिसमें से पार्श्व के दो पत्ते तो एक दूसरे के आमने सामने लगे रहते हैं एवं तीसरा सिरे पर लगा रहता है, जो अपेक्षाकृत बड़ा और लंबाई चौड़ाई में बराबर होता है। सर्दी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं नंगी खड़ी रहती है। पलाश को ढाक, टैसू, केसू और छोला बंगाली और मराठी में पलस, गुजराती में खाखरी, कन्नड़ में मुतु, तमिल में पिलासू, उड़िया में पोरासू, तेलुगु में मोदू, मलयालम में मुरक्किचु, संस्कृत में पलाश, किंशुक और लैटिन में ब्यूटिया फ्रोंडोसा या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। खिले हुए फूलों से लदे हुए पलाश की उपमा संस्कृत लेखकों ने युद्ध भूमि से दी है। वहीं संस्कृत साहित्य में इसके सुंदर रूप का वर्णन श्रृंगार रस के लिए भी किया गया है। वसंत में खिलने वाला यह वृक्ष गर्मी की तेज तपन में भी अपनी छटा बिखेरता रहता है। उस समय गर्मी से व्याकुल होकर सारी हरियाली नष्ट हो जाती है। जंगल सूखे नजर आते हैं, दूर तक हरी धूप का नामो निशान भी नजर नहीं आता। उस समय यह न केवल फूलते हैं बल्कि अपने सर्वोत्तम रूप को प्रदर्शित करते हैं। आयुर्वेद में पलाश के अनेक गुण बताए गए हैं। इसके पत्ते के पत्तल दोने भी बनते हैं। पलाश उत्तर प्रदेश का पुष्प है। फरवरी के अंत में पलाश वृक्ष की शाखाओं पर काले रंग की पुष्प कलिकाओं के गुच्छे आने लगते हैं। यह वसंत ऋतु के आने का संकेत होता है। फाल्गुन मास में जब सारा वृक्ष नारंगी लाल रंग के फूलों से ढक जाता है, इन दिनों पलाश के जंगल ऐसे लगते हैं मानो सारा जंगल ही आग की लपटों में धधक रहा हो। इसी कारण इस वृक्ष को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। पलाश के फूल गहरे लाल रंग के होते हैं। तोते की चोंच के समान दिखाई देते हैं, इसलिए पलाश को संस्कृत में किंशुक तोते जैसा भी कहते हैं।